हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हो, विंटर का सीजन चल रहा है। तो विंटर के सीजन में क्या होता है, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल लगती है, ड्राई लगती है। स्किन को ग्लोइंग, ब्राइट, हेल्दी, चमकदार बनाना चाहते हो तो आप मेरी वीडियो के एंड तक बने रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लो ताकि आपको मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए जानते हैं आपको ये किस तरह से बनाना है। सबसे पहले मैं एक क्लीन बाउल ले रही हूँ, उसके बाद फिर मैं इसमें एक चम्मच जितना एलोवेरा जेल ले रही हूँ। मैं यहाँ पे गुडवाइफ्स का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो जो केमिकली फ्री हो। अगर आप इसे परचेस करना चाहोगे तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके बाद फिर मैं इसमें ग्लिसरीन यूज़ कर रही हूँ आधा चम्मच जितना। जिनकी ड्राई स्किन है वो पूरा एक चम्मच जितना ग्लिसरीन यूज़ कर रही हूँ। ये ऑल स्किन टाइप्स वालों के लिए है। ये हमारी स्किन में नेचुरल सी चमक लाता है, शाइन लाता है, स्किन को ग्लोइंग ब्राइट बनाता है। उसके बाद फिर मैं इसमें टी ट्री इसेंशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मैं अभी गुडवाइफ्स का टी ट्री इसेंशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ। जिनकी ऑयली स्किन वो इसमें यूज़ कर सकते हैं, आपके पास है तो आप यूज़ करो, अदरवाइज स्किप कर लो। मेरे पास था इसलिए मैंने यूज़ किया। उसके बाद फिर हम इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर आपके पास कोई भी खाली कंटेनर हो आप उसमें इसे ट्रांसफर कर लो। तो आप देख सकते हो फाइनली ये मेरा सीरम रेडी हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप इसे रोज़ाना यूज़ करोगे ना आपकी स्किन में आपको बहुत ही अच्छा फर्क नज़र आएगा। तो अभी मैं खाली कंटेनर ले ली हूँ, उसमें मैं इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी। आप देख सकते हो फाइनली मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया। आप इसे फ्रीज में 10 से 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो। जब ये ख़त्म हो जाए तब आप न्यू बैच बना लो। भी चीज़ यूज़ करो, फ्रेश यूज़ करो। तो आप देख सकते हो मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप अपने फेस के साथ अपने नेक पोर्शन को भी कवर कर सकते हो। देख सकते हो बहुत ही इजीली आपकी स्किन में ये एब्जॉर्ब हो जाता है। ये बिल्कुल भी छिप छिप नहीं करता, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नेचुरल सी शाइन लेता है आपकी स्किन, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लगती है। जब आप इसे रात को रोज़ाना यूज़ करोगे, मॉर्निंग में जब आप अपना फेस वॉश करोगे ना, आपकी स्किन में खुद आपको बहुत ही अच्छा फर्क नज़र आएगा। पर उससे पहले आपको क्या करना है, आप अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लो कोई भी फेस वॉश से। उसके बाद फिर आप अपने फेस पे रोज़ वाटर, डाबर गुलाबरी का रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो, या फिर अपने फेस पे आप टोनर यूज़ करो। कोई भी आप रोज़ वाटर या टोनर यूज़ कर लो। उसके बाद फिर आप अपने फेस पे ये जो मैंने DIY सीरम बनाया है वो अपने फेस पे अप्लाई कर लो। उसके बाद फिर आपको 1 से 2 मिनट तक के लिए हल्के हाथों से मसाज करनी है। उसके बाद फिर आपको सो जाना है। आप रोज़ाना करोगे ना आपको खुद अपनी स्किन में बहुत अच्छा फर्क नज़र आएगा। आपकी स्किन में फाइन लाइन्स है, रिंकल्स है, डार्क स्पॉट है, एक्ने है, पिंपल्स है, बहुत ज़्यादा डल है, ड्राई स्किन है, सारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।